नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यह जो आज का वीडियो है यह अप्रेंटिसशिप की यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आ रही है। और दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप वीडियो बनाने के बाद आप कॉमेंट करेंगे कि हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, अभी हमारी एग्ज़ाम हो चुकी है, हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इसका जवाब हम आगे इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए आप जो है इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह वीडियो रहने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर यह जो अप्रेंटिस निकल कर आ रही है यह RRCET की तरफ से यहाँ पर निकल कर आ रही है, यानी राजा रमन्ना सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर मध्य प्रदेश की तरफ से यहाँ पर एक अप्रेंटिसशिप निकल कर आ रही है। दोस्तों यह कितने सीटों के लिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसमें कितने सीटें अवेलेबल हैं, यहाँ पर 150 यहाँ पर अवेलेबल है। और आपका जो यहाँ पर ज्वाइनिंग कब होने वाली है, 1 दिसंबर यानी 1 दिसंबर से जो है आपका ट्रेनिंग चालू होने वाला है। और आपका जो यहाँ पर देखिए आगे उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी है, हम एक एक करके सभी जानकारी यहाँ पर ले लेंगे। देखिए यहाँ पर आउट ऑफ 150 ट्रेनिंग प्लेस आर 23 आर रिजर्व SC, 30 आर रिजर्व ST, 23 आर रिजर्व VC और बाकी के जो भी है वह जनरल यानी UR कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, देखिए अगर आपका जन्म 1/12/2001 से 30/11/2005 के बीच में हुआ है तो आप जो है यहाँ पर एलिजिबल है। आपकी एज 18 से 22 साल तक है तो आप एलिजिबल है। देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया बात क्या है, 11,600 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। यह बहुत ही ज़्यादा स्टाइपेंड है, क्योंकि इतना स्टाइपेंड जो है दूसरे सेक्टर में नहीं दिया जाता है, मिनिमम 8,050 ऐसा कुछ दिया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। और आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ पर, आपका जो अप्रेंटिसशिप www.indiagov.in इस वेबसाइट पर जाके क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन करना है। और आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट होना चाहिए। जब तक आपका 100% प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगा आपको जो है यहाँ पर वेटेज नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए कौन से ट्रेड के लिए यह वैकेंसीज निकली हुई है और कितने यहाँ पर सीटें अवेलेबल है। और महत्वपूर्ण बात, आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह क्या होनी चाहिए, यह भी यहाँ पर आपको दी गई है। देखिए यहाँ पर जो भी वेल्डर है गैस एंड इलेक्ट्रिक, उनके लिए 3 पोस्ट है और यहाँ पर उनका जो है ITI यहाँ पर होना ज़रूरी है। देखिए हम ट्रेड बताएंगे, आप जो है देख लीजिए। फिटर के लिए 24, मशीनिस्ट के लिए 9, टर्नर के लिए 11, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के लिए 6, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन के लिए 6, इलेक्ट्रीशियन के लिए 16, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक कस्टमर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 23 यहाँ पर 3 पोस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 3 दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रो प्लेटर के लिए 4, कोपा के लिए 5, प्लम्बर के लिए 3, सर्वेयर के लिए 2, मेसन के लिए 1, कारपेंटर के लिए 2, सिक्रेटियल असिस्टेंट के लिए 29, हॉर्टिकल्चर असिस्मेंट के लिए 1, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 1, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 150 जो सीटों के लिए यहाँ पर यह एक महत्वपूर्ण वैकेंसी आई है। यह एक मध्य प्रदेश यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी देखने को मिल रही है। देखिए कैंडिडेट शैल रजिस्टर देमस्लेव एट NAPS अप्रेंटिसशिप पोर्टल। आपका जो है यहाँ पर क्या करना है, इस पोर्टल पे जाके आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन और 100% प्रोफाइल कंप्लीट करना है। आपका जो है यहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ यानी 10th पासिंग सर्टिफिकेट पे जो है आपका डेट ऑफ बर्थ आता है वह चलेगा। यहाँ पर 10th का मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपका जो फोटोग्राफ है, पासपोर्ट साइज और हालांकि दीजिए, नहीं तो बचपन का दीजिएगा समझ में नहीं आएगा कि आप है या आप कौन है, तो इसलिए जो है लेटेस्ट यहाँ पर आपको फ़ोटो देना ज़रूरी है। डिसेबिलिटी अगर है तो दीजिए और आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर लगने वाला है।
और भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन दिए है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यह जो PDF है हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देंगे, आप ज़रूर यहाँ पर इसे डाउनलोड कर सकते। देखिए, कैंडिडेट शैल हैव पास्ड एंटायर इन 2019 और आफ्टर, कैंडिडेट हु पास्ड आउट इन 18 बिफोर आर नॉट एलिजिबल। देखिए, 19 के बाद के जो भी कैंडिडेट है वही यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यह भी आप ध्यान में रखिए, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह कैसे होगा, आपके ITI और 10th के मार्क के बीच में होगा। यहाँ पर आपको जो है जो भी मेरिट लिस्ट लगने वाली है वह 5 सितंबर को लगने वाली है, यानी 5 सितंबर को जारी होगा। और देखिए, और महत्वपूर्ण देखिए, आपके जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट है वह कौन से वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट है यहाँ पर लगने वाली है। देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह जो सर्टिफिकेट है, अगर आपके ऊपर कोई FIR दर्ज है या कोई आपके ऊपर केस चल रही है तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन जनरेट ही नहीं होगा। और भी देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें बहुत सारी दी गई है, आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण हम बता देते हैं कि आपका फॉर्म कब भरने वाला है, लास्ट डेट कब है। देखिए, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वह 1 दिसंबर से यहाँ पर 30 नवंबर 2005 तक के बीच में होना चाहिए। एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट, यानी आपको जो फॉर्म कब भरना है, 24/7 से लेकर 22 अगस्त तक आपका जो है यहाँ पर लास्ट डेट है, 22 अगस्त। ध्यान में रखिए, आपका जो यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट कब होगी, यहाँ पर 5 सितंबर को होगी। कन्फर्मेशन बाय शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट कब होंगे, यहाँ पर देखिए 5/9/23 से 10/9/23 के बीच में आपका जो है यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जारी किए जाएंगे। डिक्लेरेशन फाइनल मेरिट लिस्ट कब है, 20 सितंबर को है। ध्यान में रखिए, ये डेट को जो है आपको फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। आपको रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट स्लॉट कब बुलाया जाएगा, यहाँ पर 30 अक्टूबर 2023 को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल आपका कब होगा, 30 तारीख से लेके 4 तारीख के बीच में होगा। आपका जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सेकंड स्लॉट का, वह कब होगा, 28/11/2023 से लेकर 23 को लेकर देखिए 30/11/2023 से 30/11/2023 के बीच में आपका हो जाएगा। अप्रेंटिसशिप पीरियड आपका कब तक रहने वाला है, 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच, यहाँ पर आपका जो है अप्रेंटिसशिप का 1 साल का पीरियड रहने वाला है। यह सब आप जानकारी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है आपको कैसा लगा, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। और दोस्तों, महत्वपूर्ण बात क्या है, 22/8/2023 यह डेट ध्यान में रखिए। आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर 19 तारीख को लगने वाला है, तो यहाँ पर आप जो है फॉर्म इसको भर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।